ঠিক আছে দিচ্ছি, তুমি এটা ছিড়ো খাও। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है आलू के परोठे। ये देखिए आलू का, और यहाँ पे है आटा, एक मैंने मतलब फ्राई करके रखा है। आज है भाई का बर्थडे, मतलब देवर का बर्थडे, तो आज सब कुछ उसके पसंद का बनेगा। तो सुबह से, सुबह के ब्रेकफास्ट से मैंने शुरू किया है आलू का पराठा, और मतलब और हमेशा से उसको फेवरेट है। तो बस आलू के पराठे से मैंने शुरू किया है, अभी शायद चिकन में एंड होगा क्योंकि चिकन को उसको पसंद है। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और बोलू गई है नहाने, घर वगैरह पूछा मारा है, आज है थर्सडे, तो देख आगे का ब्लॉग क्या होगा पता नहीं, मैं जितना हो पाएगा कंटिन्यू करूँगी आगे का ब्लॉग। आप लोग देखिए बिना स्किप करें, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। और आप लोग कैसे हैं वो ये भी बताइए, मैंने तो पूछा ही नहीं आप लोगों से कि आप लोग कैसे हैं। और यहाँ पे देखिए रियो आ गया है मुझे हेल्प करने, अपना खाना छोड़ के दौड़ना। तो चलिए फटाफट से मैं इनको समेट लेती हूँ, मतलब बना लेती हूँ, हॉटकेस में रख दूंगी बना के, नहीं तो रियो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो आज तो भाई का बर्थडे है, मैंने आप लोग को बताया था, पर इन दोनों भाइयों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि बाजार करे। तो अभी घर का सब काम निपटा के, आज थर्सडे है, बोनू ने आधा घर पोछा लगाया, फिर मैंने लगाया, रियो को लेके काम करना जस्ट इम्पॉसिबल, फिर भी हम दोनों मिलकर जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। और सारा काम निपटा के अभी एक बज गए थे, सब मैं और बोनू गए, रियो को लेके गए बाजार में, और जो जो नहीं था सब्जी वगैरह, एग फिश मिला नहीं, चिकन मिला नहीं, तो एग लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग को फ्राई करके रखा है, यहाँ पे मसाला फ्राई हो रहा है, और रात को देखेंगे, मे बी चिकन ही बनेगा रात को, चिकन रोटी। रियो देखिए रियो की बदमाशी, भाई आएगा लंच करने, ये नहीं आएंगे, इन्होंने बोला था, बोल के गए थे कि नहीं आऊँगा लंच पे, तुम लोग कर लेना। और यहाँ पे घर पे कुछ गाजर पड़े थे तो मैंने इसे चॉप कर लिया, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ एक कर इसे थोड़ी ना खाना दूंगी, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, गाजर फ्राई और एक कर इसे दोपहर का लंच हो जाएगा, भाई आता ही होगा, दोनों को मैसेज किया था। तो हम दोनों से जितना हो पा रहा है हम दोनों वही कर रहे हैं, और स्पेशली अभी इनको कुछ करना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, ये भी इनको भी इतना कुछ पता नहीं है, अभी हम लोग भी नए नए शिफ्ट हुए ना, अभी क्या करें इन दोनों भाई, अगर हम लोग कुछ करते भी हैं तो भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन दोनों के पास टाइम ही नहीं है, ना बाहर लेके जाएंगे ना घर पे कुछ करने के लिए टाइम है। सुबह उठ के जो इन लोगों का ऑफिस से फ़ोन आता है ना, एक्चुअली उन लोगों का भी गलती नहीं है, अभी ईयर एंडिंग चल रहा है ना, जो लोग बिजनेस करते हैं मार्च महीने में होता है, आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन नहीं सर्विस जो करते हैं उनके लिए भी सेम ही है, मार्च मंथ में ही ईयर एंडिंग होता है, वैसे तो कहने में बोलते हैं दिसंबर में ईयर एंडिंग, ऐसा नहीं है, जो लोग बिजनेस या जॉब करते हैं उनके लिए मार्च महीने में होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनको ऑफिस से, घर पे ठीक से बात करने का भी टाइम नहीं है, आते हैं तब भी फ़ोन बजता है, यहाँ तक बाथरूम में भी लेके फ़ोन जाना पड़ता है, फोन नहीं हुआ लगता है सौतन बन गया है, हाँ सच में फोन नहीं है सौतन है, हमारी गुस्सा आता है, ये भाई भी इतना सुबह को रियो उसको विश कर रहा है काका हैप्पी बर्थडे, काका हैप्पी बर्थडे, दो बार बोलने के बाद भी उसको सुनाई नहीं दिया, सोचिए आप, फिर बोनू ने बुलाया कि रियो मतलब बुला रहा है तुमको, फिर मुंह में वो क्या खाता है ना, थैंक यू ऐसे बोल रहे थे ना, एवं बोलते ना मुँह के लिए ऐसा, तो क्या बोले, और हम लड़कियां हम औरतें ही मतलब कितना कुछ सहन करने को मिलता है, बस एडजस्ट करो, हम लड़कियों का लाइफ का एक ही वार्ड पे, हाँ ये पापा का शूज, एक ही वर्ड पे खत्म और शुरू होता है, बस एडजस्ट करो जितना हो पाएगा एडजस्ट करो, बात मत करो, जुबान मत लगाओ, बस। तो चलिए
हैं। तो पापा तो चले फटाफट से मैं एक करी बना लेती हूँ, उसके बाद में मुझे गाजर भी फ्राई करना है, लेट हो गया, मुझे लगा था भाई नहीं आएगा, रियो को भी खिलाना है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ दूसरा ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी, तो आज मैं बस वही दिखाऊंगी जो बना रही हूँ। दोपहर को एग बनाया था, मैं दिखा नहीं पाई, उसके बाद में हम लोग खा के फिर रेस्ट करने चले गए। अभी मैंने बनाया है देखिए मैगी, भाई का फेवरेट, तो आज उसका जो फेवरेट है घर में वही बनेगा। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो आप लोग समझ जाओ कि आज बनेगा ये देखिए चिकन, भाई आ जाके अभी लाया है, तो भाई को पसंद है चिकन के साथ रोटी, तो आज बस वही बनेगा, प्लेन रोटी और चिकन कोशा। तो इसके लिए बोनू ने ऑलरेडी मुझे अदरक लहसुन प्याज आलू सब कुछ काट के दे दिया है। अभी फिर से बैठी है चाय, तो मैं और बोनू लाल चाय पियेंगे, लाल चाय मतलब ब्लैक टी, और उसके बाद में मैं चिकन बनाऊंगी। चाय पीते पीते मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ, तो चलिए चिकन को बनाते हैं।